हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड, अभी हम आए हैं गाणगापुर कर्नाटका के साइड। तो यहाँ पे अभी मॉर्निंग हो गए हैं, रात का मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे अगर आपको गाणगापुर आना है तो आप पहले बुकिंग करके आओ, नहीं तो हमारे जैसे होगा। हम रात को 2-3 बजे तक रूम देख रहे थे, लेकिन 2-3 बजे तक रूम मिला है। तो काफ़ी टाइम के बाद, लाइक 2-3 घंटे के बाद हमें एक रूम मिला। वहाँ पे भी कम से कम 20-25 लोग एक रूम में। तो ऐसे होगा ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। तो अभी हम मंदिर के साइड पे जा रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा फ्रेश वगैरह हो गया। तो वहाँ का व्यू मैं आपको दिखाता हूँ, कैसा टेम्पल है, क्या है। सो लेट्स सी। तो यहाँ पे हमने अभी गाड़ी पार्क की है, क्योंकि वहाँ पे फिर आगे ट्रैफिक होगा, पार्किंग का चार्जेस ये वो। गाणगापूर हे कर्नाटकाच्या गुलबर्गा जिल्ह्यातील एक गाव आहे। अफजलपूर पासून तालुक्यातील हे गाव दत्तात्रयाच्या देवळासाठी फेमस आहे। येथील दत्तमूर्ती 3 मुखी 6 हातांची आहे। दत्त जयंती आणि श्री टेंबेस्वामींची पुण्यतिथी हे येथील प्रमुख उत्सव होत। नरसिंह सरस्वती यांनी आपले वास्तव्य करून तपाचरण तीर्थाटनात समावेश केल्याने गाणगापूर आणि नरसोबाची वाडी ही क्षेत्रे दत्त संप्रदायाकरता श्रद्धेची बनली आहेत। दत्तात्रय दत्त किंवा दत्तगुरु हे एक आदर्शवादी संन्यासी आणि योगाच्या अधिपतींपैकी एक आहेत, जे एक हिंदू देवता म्हणून पूजले जातात। त्यांना ब्रह्मा, विष्णू आणि शिव या 3 देवतांचा अवतार आणि एकत्रित रूप मानले जाते। एकत्रितपणे त्यांना त्रिमूर्ती म्हणतात। भागवत पुराण, मार्कंडेय पुराण आणि ब्रह्मांड पुराण सारख्या धर्मग्रंथांमध्ये त्यांना परब्रह्म, सर्वोच्च अस्तित्वाचे प्रतीक प्रकटीकरण मानले जाते। यहाँ पे जाने के बाद हमें और एक प्रथा देखने को मिली, जो कि ये यहाँ पे सब लोग भिक्षा मांग के खाना खाते हैं। सो यहाँ पे हमने भी भिक्षा मांगी और यहाँ पे खाना खाया, और हमने खाना भी बांटा यहाँ पे। सो एक यहाँ की अनोखी प्रथा है। सो अगर आपको भी ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो, और ऐसे ही नए नए वीडियोज़ के लिए इस चैनल पर जुड़े रहो।